कपड़े, मेरा जन्मदिन आने वाला है 29 को, हम उसके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं और आप मेरे को बाइक वाली दुकान पे ले जा सकते हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और पहुंच गए हैं टॉयज की स्टोर पर, जहां पर क्रैशिप ने पसंद कर लिया अपने लिए प्यारी सी बाइक और क्रैशिप काशवी को सिखा रहा है कि काशवी इस तरह से बाइक को चलाते हैं। तो गाइस जिस घर में हो दो बच्चे वहां पर एक चीज कैसे आ सकती है। तो काशवी के लिए भी लिए फिर हम लोगों ने थार मॉडल की एक प्यारी सी कार। अब हो गई है शाम और आ गई है क्रैशिप की बाइक। क्रैशिप की बाइक आते देखकर क्रैशिप को हो रही है बहुत ज्यादा खुशी। तो अब हो गई है काशवी की थार की एंट्री। तो गाइस काशवी और क्रैशिप की बाइक और कार आ गई है, तो मेरा पूजा करना तो बनता है। तो मैं लेकर आ गई पूजा की थाली क्रैशिप की बाइक की पूजा करने की। तो गाइस मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्रैशिप की बाइक की पूजा, और पूजा करने के बाद बेटियों के पैर छूना बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं छू रही हूँ यहाँ पे काशवी के पैर। तो ये देखकर काशवी हो रही है बहुत खुश। आज है क्रैशिप का बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर भगवान जी के दर्शन करने, और क्रैशिप भी बहुत अच्छे से जा रहा है दर्शन करने। और पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर और क्रैशिप ने किए है ढोक लगा करके दर्शन भगवान जी के, और उसको देखकर काशवी भी उसकी नकल करके ऐसे ही ढोक लगाकर दर्शन करने लगी, और कितने प्यार से कर रही है दर्शन। और मैं यहाँ पर दोनों को टीका लगाने लगी हूँ। दर्शन करने के बाद क्रैशिप जाता है स्कूल। स्कूल में मिलता है उसको कार्ड बहुत ही सुंदर, जिसको देखकर क्रैशिप को हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी। और देखिए वो सबको दिखा भी रहा है अपना कार्ड, कितना सुंदर कार्ड बनाकर दिया है उसकी मैम ने, उसके लिए एक टॉफी भी मिली है उसमें उसको। तो गाइज यहाँ पर हो रही है क्रैशिप की एंट्री, और वो कर रहा है अपनी एंट्री अपनी बाइक के साथ, और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अंकल्स उसका फोटो शूट कर रहे हैं, और वो भी इतने अच्छे से अपना फोटो शूट करा रहा है। तो क्रैशिप के बाद होती है काशवी की एंट्री, और काशवी देखिए गाइज कितनी क्यूट लग रही है। तो फाइनली गाइज हो गया है क्रैशिप की केक कटिंग का टाइम, पापा ने कैंडल जला दी है और हम लोग करने लगे यहाँ पर क्लैपिंग। तो ये सब देख कर क्रैशिप कर रहा है बहुत इंजॉय। फिर हम लोग कराते हैं क्रैशिप का केक कटिंग। केक कटिंग होने के बाद सबसे पहले खिलाया मम्मा ने क्रैशिप को केक, दादी ने भी खिला दिया क्रैशिप को केक, और काशवी को भी खिला रहे हैं पापा यहाँ पर, इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो ये है क्रैशिप की कजन सिस्टर कृतिका दीदी, क्रैशिप की फेवरेट। तो दोनों बहन भाई अपना खाना खा रहे हैं और काशवी लगी है अपनी केक खाने बहुत मस्त होकर, उसको चाटे ही जा रही है। तो गाइस सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और काशवी को लगा किसी ने डांस तो किया ही नहीं है, तो मैं ही कर लेती हूँ। अले बापली मैं तो गिर गई। क्रैशिप और कृतिका दीदी की चल रही थी प्लानिंग कि चल कृतिका दीदी अपन तो बैलून को फोड़ते हैं, अब तो सब लोग चले गए हैं, तो काशवी भी आ जाती है साथ में बैलून को फोड़ने। तो पार्टी के बाद गाइस ऐसा कौन कौन करता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करने लगे, यहाँ चाचा भी नहीं मान रहे इंजॉय किए बिना। तो आज का ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि है क्रैशिप के बर्थडे के गिफ्ट ओपनिंग का ब्लॉग। तो आप उस ब्लॉग को भी जरूर देखिए। मिलती हूँ उसी के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।